नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति कराता है। सभी एकादशियों का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली एकादशी बहुत ही खास होती है। ग्रंथों में भी कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो साल 2023 में इंद्रा एकादशी व्रत कब रखना है? पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर 2023 से हो गया है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी 10 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इंद्रा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन मघा श्राद्ध भी किया जाएगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 पर होगी। अगले दिन 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 पर इसका समापन होगा। विष्णु पूजा का शुभ समय सुबह 9:13 से लेकर के दोपहर को 12:08 तक रहेगा। एकादशी का व्रत का पारण हमें कब करना है? पितृपक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत का पारण 11 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:19 से सुबह 8:39 के बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 5:37 पर होगा। इंद्रा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के जो पितृ होते हैं वो तर जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान किया करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने, दान दक्षिणा देने से जो आपके पितर हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं। इस दिन आपको कैसे पूजन करना है? इंद्रा एकादशी पूजा के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें पुष्प और तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। अगर संभव हो तो पूरा दिन व्रत रखें। भगवान की आरती और कथा करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन आप कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। पितरों के नाम पर दान कर सकते हैं, जिनसे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। साथ ही साथ वैकुंठ धाम जो व्रत करते हैं उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो कौन कौन से आप एकादशी के दिन उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सके? पितृपक्ष की इंद्रा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ को दूध से सींचे और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, फिर 5 तरह की मिठाई अर्पित करें और वृक्ष के नीचे ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें। अपनी मन की मनोकामना के बारे में उन्हें अवगत कराएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा से आपके जो भी अटके काम हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। इंद्रा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे मन से व्रत रखकर पितरों के नाम का दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने से और शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से कहते हैं कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वे खुश होकर परिजनों को आशीर्वाद देते हैं, साथ ही पितृ दोष भी दूर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो तो ये खास उपाय अवश्य करें। कष्टों से मुक्ति के लिए इंद्रा एकादशी के दिन व्रत रखकर सुबह शाम तुलसी की माला से
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। साथ ही भगवान श्री हरि के नाम साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, उन्हें भोग समर्पित करें, तुलसी का पत्ता अवश्य डालें और नैवेद्य अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी संकट है तो इस दिन एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितरों को याद करके 11 घी के दीपक से तुलसी की पूजा करें। तुलसी के पास बैठकर इंद्रा एकादशी व्रत की कथा सुने, जिसका वीडियो आपको जल्द ही चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद शाम के समय घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक रखें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, हर प्रकार का संकट आपके जीवन से टल जाता है। तो इस तरह से पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही खास है। इस दिन व्रत पूजन करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।